धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय केवी रामचंद्र राव साहब का कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर ये कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया है। साथ ही साथ में मैं केवी रामचंद्र राव साहब से लेकर के नदीमुल हक साहब तक जिन सब माननीय सदस्यों ने प्रश्न खड़े किए उन सब का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसे गंभीर विषयों पर अपनी टिप्पणी या क्लैरिफिकेशन किया है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी संरक्षण चाहूँगा क्योंकि जिस तरह के प्रश्न, जितने सारे प्रश्न खड़े किए गए, यदि मैं उन सारे क्लैरिफिकेशंस का क्लैरिफिकेशन वाइज व्यक्ति से अगर जवाब दूंगा तो मुझे सामने घड़ी में सिर्फ 5 ही मिनट का टाइम दिखाई दे रहा है जो 1 घंटे का प्रतिबंध आपने लगाया। मैंने नहीं लगाया, हाउस के रूल्स के अंदर ये कॉलिंग अटेंशन 1 घंटे के अंदर पूरा होना है। तो आसन का जो आदेश है वही जो है हाउस का रूल है। आप सारी क्वेरीज को लेते हुए जितने संक्षेप में जवाब दे सकें क्योंकि हाउस के सामने और बिजनेस। आपने जो निर्देश दिया आपके आदेश की पालना करते हुए मैं कहना चाहता हूँ मैं सब सदस्यों की इस बात से सहमत हूँ और हम सब ने संवेद स्वर से अनेक बार इस बात को स्वीकार किया है कि विश्व भर में पानी का एक गंभीर संकट पूरे विश्व के सामने एक चुनौती बनकर के उभरा है। न केवल भारत, अभी तो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरे विश्व भर में दिखाई दे रहा है और स्पष्ट रूप से सब लोग उससे उस डर को महसूस कर रहे हैं। और भारत क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, ऐसा होने के कारण से हमारे सामने चुनौती और भी बढ़ी। अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस होने के कारण से वो चुनौती और भी गंभीर हो गई। ऐसी परिस्थिति में निश्चित ही हम सब लोगों की चिंता, सारे माननीय सदस्यों की चिंता और देश की चिंता स्वाभाविक है। माननीय सदस्यों ने जिस बात की चर्चा की कि देश में जो पानी जहाँ से प्रारंभ हुआ वहाँ, माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की कि देश में कुल मिलाकर के 4000 BCM पानी आता है। माननीय सदस्य श्री प्रशांत तंदा साहब ने भी इस बात की चर्चा की और माननीय सदस्य श्री अशोक सिद्धार्थ साहब ने भी चर्चा की कि 3000 BCM पानी बरसता है जबकि हम की आवश्यकता है जबकि 4000 BCM पानी आता है और हम उस पानी को टैप नहीं कर पाते। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि 3880 बिलियन क्यूबिक मीटर वर्षा हमें हर साल वर्षा और बर्फ़ से जल मिलता है और जो इंटरनेशनल रिवर्स भी हैं उनसे कुल मिलाकर के पानी हमको उपलब्ध होता है। ये भी सत्य है कि 257 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो है हमारी कुल मिलाकर के सरफेस पर होल्डिंग कैपेसिटी है, लेकिन उसके साथ साथ में जो अंडरग्राउंड में वाटर हर साल रिप्लेनिश होता है वो लगभग 457 बिलियन क्यूबिक मीटर है। मैं माननीय अशोक सिद्धार्थ साहब को निवेदन करना चाहता हूँ कि शायद कहीं आंकड़ों को पढ़ने में चूक हुई है, 3000 बिलियन क्यूबिक मीटर हमारी आवश्यकता नहीं है, हमारी आवश्यकता आज भी 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास अधिकतम है। लेकिन जितना पानी हमको मिलता है, प्रकृति ने जितना पानी दिया है, यदि हम ठीक से प्रबंधन करें तो निश्चित ही आने वाले अनेक वर्षों तक इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान किया जा सकता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति उपसभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस तरह का विचार करते हुए कहा कि पानी को कंकरेंट लिस्ट में लाया जाए, संविधान सभा में इस पर बहुत विस्तार से डिस्कशन हुआ था और उस डिस्कशन के बाद में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो व्यवस्था दी थी उस व्यवस्था के अनुरूप पानी को राज्यों का विषय बनाया गया था। और पानी को राज्यों का विषय बनाए जाने के उपरांत जैसा अभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि पानी को कंकरेंट लिस्ट में लाया जाए, कुछ सदस्यों ने उसके पक्ष में, कुछ ने विपक्ष में अपने विचार रखे, सरकारिया कमीशन की का उल्लेख किया, पुंछी कमीशन का उल्लेख किया और सभी जितनी भी बार इस विषय में डिबेट हुआ है उतनी बार हमेशा इस बात के लिए कहा गया कि पानी जो है स्टेट सब्जेक्ट रहे और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जहाँ हैं वहाँ भारत सरकार और भारत की संसद को एंट्री 56 में पहले से जो है सेंटर को इस बात की पावर है कि वो एक्सपीडियंट इन नेचर अगर है तो उसमें और इंटर स्टेट्स का अगर डिस्प्यूट है तो उसमें वो इंटरवीन कर सकता है। इसलिए वर्तमान में इस ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से पुंछी आयोग ने अपने पुंछी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वी डू नॉट विश टू क्रिएट एनी रिपल की एक नई रिपल क्रिएट करके एक नई व्यवस्था खड़ी की जाए, ऐसी आवश्यकता आज नहीं है। माननीय सभा उपसभापति महोदय, अधिकांश सदस्यों ने क्योंकि पोलावरम को लेकर के प्रश्न किए, मैं सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पोलावरम प्रोजेक्ट जिसको आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में जिस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था और बाद में
तथा जो है राज्य सरकार की मांग पर नीति आयोग की अनुशंसा पर इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन मेंटेनेंस जो है वो राज्य सरकार करेगी, ऐसा निश्चित हुआ था। और ये सही है कि भारत सरकार ने उस समय में ये कहा था कि 2014 पे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1/1/2014 को, उस एस्टिमेटेड कॉस्ट जो लगभग 16,000 कुछ करोड़ आंकी गई थी वो भारत सरकार वहन करेगी। लेकिन 2013 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट पारित हुआ और उसके बाद में जो ये समय काल बीतने के कारण से जो कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, उस कॉस्ट एस्केलेशन को के बाद में जो उसकी टोटल कॉस्ट जो है 55,548 करोड़ रुपये जो है राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे एडवाइजरी कमेटी ने अप्रूव किया है। लेकिन एडवाइजरी कमेटी के अप्रूव करने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक रिवाइज कॉस्ट कमेटी बनाई थी। रिवाइज कॉस्ट कमेटी की जैसा चर्चा की गई कि कुछ मीटिंग्स रिवाइज कॉस्ट कमेटी की 3-4 मीटिंग्स अब तीन दो मीटिंग्स अब तक हो चुकी हैं, लेकिन रिवाइज कॉस्ट कमेटी ने राज्य सरकार से कुछ सूचनाएँ मांगी और वो सूचनाएँ आदरणीय सुबारे मेरे अड्डी साहब कह रहे थे कि कितने दिन में आप पैसे देंगे, पहले सूचनाएं कितने दिन में आएंगी उसके ऊपर इस बात का भविष्य निर्भर करेगा, क्योंकि लैंड की क्वालिटी क्या है, लैंड की जो कैटेगरी क्या है, लैंड की कॉस्ट क्या है, इन सब बात के बारे में सूचना यदि ठीक से राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं प्रदान की जाएगी तब तक इस कॉस्ट को फाइनल कॉस्ट मानते हुए इसके बारे में निर्धारण किसी भी तरह का नीति निर्धारण नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया, माननीय सदस्यों ने जो पोलावरम को लेकर के प्रश्न किया, अब ये सारे प्रश्नों का उत्तर यदि मैं आप संक्षेप में देना चाहें तो सिर्फ इतना ही है कि जिस तरह से राज्य सरकार को जो पहले 5,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर हुआ था, जो नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने से पहले जो 5,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ था, उस 5,000 करोड़ के एक्सपेंडिचर के ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, अभी तक कुल मिलाकर के इतना समय बीत जाने के बाद में भी 3,000 करोड़ रुपए के ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं अब तक दिए प्राप्त उपलब्ध कराए गए, शेष 2,000 करोड़ रुपए के से भी ज़्यादा के पैसे के जो ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स न आए तब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी जो 1,850 करोड़ रुपए की चर्चा आदरणीय सुब्रमण्यम रेड्डी साहब ने की उस आदेश के साथ में लिखा है कि वो आने तक फर्दर और कोई पेमेंट रिलीज नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इसमें और ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की आवश्यकता है और वो यदि प्रोएक्टिव तरीके से काम करेगी तो भारत सरकार निश्चित रूप से सहयोग करने के लिए तैयार है। श्री सुब्रमण्यम रेड्डी साहब ने प्रश्न किया कि भारत सरकार बजट में पैसा देने के बजाय जो है वो नाबार्ड से घूम फिर के और नाबार्ड से पैसा देती है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड जब बनाया गया था तब भी ये तय किया गया था कि नाबार्ड पैसा रेज करेगा, भारत सरकार पैसा दे वो किस हेड से और कहाँ से दे, मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय होने के बजाय कितनी जल्दी से राज्य अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करें, अपने क्षेत्र के काम को पूरा करें तो शायद प्रोजेक्ट को और ज़्यादा शीघ्रता के साथ में पूरा किया जा सकता है। माने प्रशांत दंदा साहब ने उड़ीसा के पोलावरम को लेकर के उड़ीसा के राज्य की चिंता व्यक्त की, जितनी चिंताएं आपने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राज्य के विषय को लेकर के की है उन दोनों के विषय में मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहता हूं कि ये सारे विषय जिनकी चर्चा आपने की है सुप्रीम कोर्ट में आपके द्वारा दायर नवाद में विचाराधीन है और जब तक वो वाद में विचाराधीन है मुझे लगता है कि माननीय उपसभापति महोदय मुझे यहाँ से किसी तरह का उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। माननीय अशोक सिद्धार्थ साहब ने सिंचाई की पुरानी विधियों की चर्चा की, हम सब मानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी विधियाँ ऐसी थी जैविक कृषि से लेकर के और कम पानी के उपयोग करते हुए खेत में पानी में को मैं अधिकतम रोकते हुए हम किस तरह से सिंचाई कर सकें, निश्चित ही हम सबको उसके प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम्स पर उन्होंने बात की, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनने के बाद में पिछले 4-5 साल में इस दिशा में कि पानी का वाटर यूज़ एफिकेसी को बढ़ाया जा सके इस दृष्टिकोण से बहुत गंभीरता के साथ में प्रयास हुए हैं। राज्यों को हमने केंद्र की तरफ से जो है अंशदान करते हुए हैंडहोल्डिंग करते हुए किसानों को फ्लड इरिगेशन से स्मार्ट इरिगेशन की तरफ वो जाएं इस दिशा में गंभीर प्रयास किए हैं और हमने उसकी उस दिशा में उनको जो है वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। माननीय सदस्य ने इसराइल की चर्चा की, निश्चित ही इसराइल की परिस्थितियाँ और भारत की परिस्थितियाँ एक से नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय इसराइल में 150 मिलीमीटर कुल मिलाकर के बरसात साल में होती है जबकि हमारा देश 1068 मिलीमीटर बरसात वाला देश है
और मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां देश में सबसे कम बरसात शायद साल में होती होगी। मैं सुदूर पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान से आता हूं जहां 150 मिलीमीटर बरसात होती है। माननीय सदस्य ने किसानों की चिंता की, लेकिन मैं आज भी गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूं, मैंने लोकसभा में भी एक बात गर्व के साथ में 2015 के अकाल के समय भी कही थी कि आज भी पश्चिमी राजस्थान में एक भी फार्मर सुसाइड रजिस्टर नहीं। हमको जल का प्रबंधन और ठीक से जल का, जितना वर्षा से जल आ रहा है उसका संग्रहण करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार सरकार बनने के बाद में 30 जून को अपनी मन की बात में जिस प्राथमिकता के साथ में देश के सामने इस विषय को रखा और वर्षा जल के संग्रहण को लेकर के जिस तरह से गंभीर प्रयास प्रारंभ किए, मुझे लगता है कि हम सब सदस्यों को उसकी सराहना करनी ही चाहिए कि उसके बाद में जिस तरह से जन चेतना का भाव इस जल के विषय को लेकर के उभरा है। आज देश का प्रत्येक व्यक्ति, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में निश्चित ही जो है जल के संरक्षण का विषय एक प्रमुख विषय बनकर के उभरा है। इसलिए इस दृष्टिकोण से निश्चित ही हम सबको भी प्रयास करने की आवश्यकता है। हम सब अपने 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 क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेश में समाज का नेतृत्व करते हैं, राजनीतिक पार्टियों का नेतृत्व करते हैं, अलग अलग सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। निश्चित ही हमको अपने क्षेत्र में भी इस बारे में जागरूकता बढ़ाने, हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा के जल का संधारण करें, इस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, एक विषय मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूँगा कि आप सारे सदस्य जब कभी भी, चाहे इस सदन में हो और चाहे उस सदन में हो, जब कभी भी जल के विषय में चर्चा होती है तो जल राज्यों का अधिकार है, जल राज्यों का अधिकार है, संविधान ने दिया इस बारे में, इसको लेकर के सब लोग अपने अधिकार के लिए बात करते हैं। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जल को लेकर के काम करने की आवश्यकता आती है, चाहे वो गंगा के घाट की सफाई से लेकर के एम्बैकमेंट टूट रहे हैं उसकी रिपेयर से लेकर के कटाव को रोकने से लेकर के नदी की साफ सफाई रखने से लेकर के नदी के तट पे कूड़े का प्रबंधन करने से लेकर के उस पर बांध बनाने से लेकर के सबके लिए भारत सरकार के की तरफ की जल शक्ति मंत्रालय इस दृष्टिकोण से काम करे। जो संसाधन जिसका है, प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, उन्हीं को उस दृष्टिकोण से प्रयास करना चाहिए, ऐसी आवश्यकता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, के राजेश जी ने जो है पानी को कॉन्करेंट लिस्ट में करने की बात की, मैंने स्पष्टीकरण अपना पहले उसमें दे दिया। कुछ माननीय सदस्यों ने नीति आयोग के की जो हाल ही में रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट की चर्चा की, हालांकि मैंने कल प्रश्न का उत्तर देते हुए, आप सब सदस्य, अधिकांश सदस्य उपस्थित थे, मैंने अत्यंत विस्तार से उसका उत्तर देते हुए कहा था कि ये जो 21 जिलों शहरों की सूची दी गई है, ये 21 शहरों की सूची जो है, मुझे लगता है कि इस सूची को निर्माण में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर जल्दबाजी हुई है, क्योंकि 21 शहरों की जो सूची है उस सूची में, जैसा मैंने कल भी कहा था, कि 15 शहर ऐसे हैं जिन शहरों में ड्यूअल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है, ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंसी नहीं है। मैं मानता हूं कि ग्राउंड वाटर हम सब के लिए चुनौती का विषय है, 65% हमारी निर्भरता ग्राउंड वाटर पर है, लेकिन मैं साथ ही ये भी मानता हूं कि इस जो हमारी जो थाती है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, इस पर अगर हम ठीक से वाटर होल्डिंग पर काम करें, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, और गांव का पानी गांव में रोकने की जिस परंपरा की शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है, जिसका आह्वान ग्राम पंचायतों के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, निश्चित ही उसका, यदि उस पर ठीक से हम सब लोग राज्य और स्थानीय स्तर पर काम कर पाएंगे तो निश्चित ही उसका परिणाम होगा। यदि मैं भारत सरकार के परिप्रेक्ष्य में बात करूं कि पिछले 5 वर्षों में मनरेगा स्कीम के माध्यम से केवल इस जल के पुनर्भरण और जल संचय, जल के जो है सतह पर रोकने के दृष्टिकोण से केवल पिछले 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का जो निवेश नरेगा के माध्यम से देश की सरकार ने किया है, इसके अतिरिक्त भी लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो स्कीम वाटरशेड की चलाता है उसमें, उसके माध्यम से भी पिछले 5 साल में इस दृष्टिकोण से काम हुआ है। अनेक राज्यों ने भी अपने संसाधनों से इस दृष्टिकोण में बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने जो है वो जलयुक्त शिविर जो योजना चलाई थी, राजस्थान की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चलाई थी, आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू योजना चल रही है, और इस तरह की अनेक योजनाओं के बारे में, गुजरात में सुजलाम सुफलाम योजना माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब से वो चल रही है, इन सारी योजनाओं के प्रभाव उन क्षेत्रों में दिखाई दिए। राजस्थान जैसा मैंने कहा सबसे सूखा प्रदेश है, लेकिन 5 साल तक जिस तरह के डेडिकेटेड एफर्ट्स राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ने किए उसका परिणाम था कि उस 5 साल में राजस्थान का जल स्तर जो है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड एरिया था, वो भी 5 फीट से ज्यादा प्रतिवर्ष की दर से वापस बढ़ने लगा।
हम ट्रेंड को रिवर्स करने में कामयाब हुए हैं और ऐसी अनेक सक्सेस स्टोरी, इंडिविजुअल ड्रिवन, सोसाइटी ड्रिवन और ऐसी अनेक सक्सेस स्टोरी जो है वो राज्यों के द्वारा चलाई गई सक्सेस स्टोरीज हम सब के सामने, हम सब जमीन पर काम करते हुए हम सब ने उनको अनुभव किया होगा। निश्चित ही हम सबको इनको प्रमोट करने की भी आवश्यकता है और इन 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 सक्सेस स्टोरीज को और तेजी से आगे जो है बढ़े इस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है। कुछ मित्रों ने नेपाल के और के से जो पानी आता है उसकी चर्चा की, आदरणीय मनोज जी ने भी उसकी चर्चा की। इंटरनेशनल रिवर्स हैं और इन इंटरनेशनल रिवर्स के ऊपर हम लगातार नेपाल की सरकार से चर्चा कर रहे हैं। पंचेश्वर का बांध बनाने को लेकर के जो उच्च स्तरीय मीटिंगों का क्रम जो एक बार टूट गया था, सचिव स्तर पर पिछले 6 महीने में मैंने 2 बार मीटिंग, एक बार भारत में उनको बुला करके और दूसरी बार हमारे भारत के हमारे सचिव को वहाँ भेज करके मीटिंग की है। जो वहाँ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं उनके साथ में भी हमने बैठ करके और मैंने व्यक्तिगत रूप से बैठ करके उनसे बातचीत की है। मुझे लगता है कि शीघ्र ही इस दिशा में हम जो है वो ठीक ठीक समाधान किसी तरह से प्राप्त कर पाएंगे। नदीमुल हक साहब ने बात की, मुझे लगता है कि कुछ माननीय सदस्यों के, मैं माननीय सभापति उपसभापति जी आपका संरक्षण चाहता हूँ, कुछ माननीय सदस्यों का मुझे लगता है कि ये स्वभाव ही बन गया है कि हमको आलोचना कर दी। क्योंकि राजेश जी ने बात प्रारंभ करते हुए आलोचना का तीर चलाया कि ये जो है सरकार ये प्रपोजल लेकर के आ गई। मैं ये प्रपोजल लेकर के नहीं आया हूँ कि इसको कंकरेंट लिस्ट में, न सरकार कंकरेंट लिस्ट में लाने का प्रपोजल लेकर के आई है। और माननीय नदीमुल हक साहब ने कहा कि तीस्ता बराज का बांध जो है वो फंडिंग के कारण से, लैक ऑफ फंडिंग के कारण से पूरा नहीं हो रहा है। भारत सरकार कब फंडिंग उपलब्ध कराएगी? मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आपकी सरकार ने असमर्थता व्यक्त की है कि हम लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकते, इसलिए इस प्रोजेक्ट को नहीं किया जाए। अपने दोष को भारत सरकार के ऊपर मंडना यहाँ सब सदन में खड़े होकर के बहुत आसान है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपनी सरकार से इस बात का आग्रह करें कि वो जो लैंड एक्विजिशन जो उनको करना है, क्योंकि वो राज्य का विषय है, वो लैंड एक्विजिशन करें ताकि बंगाल के किसान को पानी मिल सके। वो इस तरह से अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को, अपनी असफलताओं को सदन के माध्यम से, सदन को राजनीति का मंच बनाते हुए उपयोग न करें। माननीय मधुसूदन मिस्त्री साहब ने अपना वक्तव्य अंतिम स्तर पर ले जाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मधुसूदन मिस्त्री साहब ने सरदार सरोवर बांध को पूरा भरने के विषय का यहाँ उल्लेख किया और कहा कि उसको भरने के कारण से गांव में जो है मध्य प्रदेश में जो लोग कुछ कई सारे गांव डूब गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनके घर डूब गए। मैं माननीय उपसभापति महोदय आपके आपका संरक्षण चाहते हुए आग्रह करना चाहता हूँ कि 2016 के साल में उच्चतम न्यायालय इस बात को जो है वो वैलिडेट कर चुका है कि अब R&R के इश्यूज ख़त्म हो गए हैं और उसके बाद में जिन लोगों को शिफ्ट हो जाना चाहिए था उनको छोड़ करके चला जाना चाहिए। कंपनसेशन लेने के बाद में भी क्योंकि पानी वहाँ तक नहीं पहुँचा है और शायद कभी नहीं पहुँचेगा, इस आस में कुछ लोग वहाँ टिके हुए थे, लेकिन उसके बाद में मुझे लगता है कि न तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और न गुजरात सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग कंपनसेशन लेने के बाद में भी वहाँ क्यों रुके हुए, बांध पूरा भरा है। माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की कि खेतों तक पानी कब पहुँचेगा। मैं तो राजस्थान से आता हूँ और इस सदन में खड़े होकर के धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उस बेसिन में हमारा कोई हिस्सा नहीं था राजस्थान का, लेकिन फिर भी हमें आधा MAF पानी जो है इस सरदार सरोवर बांध से जो है नर्मदा नदी का दिया। हम सब राजस्थान के 3 करोड़ लोग कृतज्ञ हैं और कृतज्ञता के साथ में कहना चाहते हैं कि 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन में हमारे यहाँ राजस्थान में नर्मदा के पानी से सिंचाई हो रही। मुझे लगता है कि हमें जो है दोष लगाने से पहले कुल मिलाकर के अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। जो राज्यों की सरकारों का उत्तरदायित्व था उसको पूरा किए बिना हम यदि केंद्र की सरकार पर या अन्य लोगों पर इस बात का दोषारोपण करेंगे तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। माननीय के राकेश जी ने एक विषय, अंतिम विषय करके मैं मेरी बात समाप्त करना चाहता हूँ, उसके बाद में यदि आप अनुमति दें तो सहर्ष में आदरणीय दिग्विजय सिंह की बात सुनूंगा। उन्होंने जल जीवन मिशन की सफलता पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है कि हम देश के प्रत्येक ग्रामीण आवास तक 15 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय, उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि यह शायद पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज देश का कोई भी व्यक्ति ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी की किसी भी घोषणा पर संदेह व्यक्त नहीं करता। जब शौचालय बनाने की बात हुई थी तब से लेकर के बिजली देने, गैस का चूल्हा कनेक्शन देने, आवास देने,
और बैंक का खाता देने, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज के बाद में आज देश इस बात पर विश्वास करता है कि मोदी है तो मुमकिन है, निश्चित ही है जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है वो पूरी होगी। आप सबके सहयोग चाहते हुए, आप सबका आशीर्वाद चाहते हुए कि आप सब लोग सहयोग करें, निश्चित ही हम देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाने में सफल होंगे।